नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में आज भोजवीर सिंह जी हैं जो अभी हाल ही में IBPS RRB क्लर्क का एग्जाम देकर लौटे हैं। तो कैसा रहा आपका अनुभव? सर बहुत अच्छा रहा एग्जाम। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक सर्विसमैन के लिए एग्जाम की तैयारी करना जो है कितना जो है डिफिकल्ट होता है? सर एक्चुअली पूछे तो काफ़ी टाइम हो जाता है पढ़ाई से छोड़े हुए, क्योंकि 15-20 साल की सर्विस हम लोग करते हैं आर्मी के अंदर, तो पढ़ाई से एकदम से अलग हो जाती है। तो अभी तो जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है अभी भी जो है जॉब जारी है और साथ में आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी, तो कैसे टाइम निकाल पाते हैं? सर ड्यूटी के टाइम से आने के बाद शाम को 2-4 घंटे आते थे, यूट्यूब वगैरह का यूज करते थे, वीडियो वगैरह देखते थे, कुछ सारी चीजें ऐसे करके पढ़ाई करनी स्टार्ट की। तो आज जैसे जो प्री एग्जाम था मैथ्स और रीजनिंग जो है आपने वहाँ पे अटेम्प्ट किया, तो क्या समस्या लगी सबसे बड़ी? सर पेपर तो बहुत ईजी था और बड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन सर मन में एक चीज और रह गई हमारे, पूरा अटेम्प्ट कर सकते थे लेकिन टाइम मैनेज ना हो पाया, जिसकी वजह से मेरे 10-12 क्वेश्चन छूट गए। मतलब ये कि थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने की भी जरूरत है। 10-12 क्वेश्चन छूट गए सर, और वैसे अच्छे खास संतुष्ट हूँ जितना मैंने पढ़ाई किया था उससे। अच्छा, आने वाले टाइम में जैसे अभी बिल्कुल शुभकामनाएं कि आप ये क्लियर करके अब मेंस आप देने वाले हैं। पक्का सर। तो मेंस में एक ऑप्शन होता है इंग्लिश और हिंदी का, तो क्या चूज करने वाले हैं, क्या प्लान है आपके मन में? सर एक्चुअली मैं बात करता हूँ, मैंने आपसे पहले SBI क्लर्क का एग्जाम दिया था और प्री क्लियर किया था, और मेंस में केवल इंग्लिश की वजह से ही मैं रह गया था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और काफी साल सेना में रहने के बाद भी आप समझ पाते प्रिपरेशन नहीं हो पाती, और अभी पढ़ने का टाइम भी इतना नहीं हो पाता, तो मैं हिंदी में देना ज्यादा। हाँ, तो मतलब दोस्तों यहाँ पर मतलब सर की बातों से जो है आप भी समझ सकते हैं कि ये जो RRB का एग्जाम है सच में एक चांस होता है उन लोगों के लिए जिनका किसी कारण से इंग्लिश मीडियम नहीं था और हिंदी में जो है और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगे हिंदी में आप अटेंड करेंगे तो शायद पहली बार में सिलेक्शन भी आप लेंगे। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सर।